बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सारा क्लोथ। सिस्टर, क्या आपको मालूम है कि आप जो ओरिजिनल ऑनलाइन कपड़े खरीद रही हैं उनका क्या फैब्रिक है, कैसी एम्ब्रॉयडरी है और किस कलर में वो अवेलेबल है? मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म सारा क्लोथ, जहाँ पे आपको हर सूट की अनबॉक्सिंग, उसके फैब्रिक और उसकी एम्ब्रॉयडरी डिटेल्स मालूम चलेंगी। मेरी वो बहनें जो कि इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, उनके लिए भी ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि कपड़े खरीदने से पहले उनको पता चले कि क्या फैब्रिक वो हासिल कर रही हैं। हम इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए स्पेशली स्टिच सूट भी प्रोवाइड करके देते हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट तक देखें ताकि आपको पता चले कि मैंने आपको आज के सूट में क्या क्या डिटेल्स बताई हैं। अस्सलामु अलैकुम प्यारी सिस्टर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खादी का ये बहुत ही खूबसूरत सा विंटर वॉल्यूम कलेक्शन 2 का ये सूट है। 703 इसका नंबर है और मैं बता दूँ सिस्टर, ये 3 पीस सूट है, 4,000 रुपये इसकी कॉस्ट है। आपको मैं चलती हूँ सिस्टर इसके फैब्रिक के बारे में और इसकी डिटेल्स बताती हूँ। ये है सिस्टर इस सूट की इमेज, आप देख सकते हैं कि ये बेज कलर का सूट है और इसमें सारा जो है, क्योंकि ये जैकेट शर्ट है तो इसीलिए इसमें सारा जो है थ्रेड का काम किया गया है। चलते हैं सिस्टर इसके, बताती हूँ मैं इसके कॉलर के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे भी सिस्टर्स आप देख सकते हैं कि कॉलर जो है वो शेरवानी कॉलर बनाया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पे ये पूरी जो है ये डोरी पाइपिंग करके यहाँ पर भी इस सूट में भी पूरा नीचे तक इसको लेकर गए हैं। आप ये देखें बीच में जो है यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत से नेक पट्टी के साथ साथ यहाँ पे ये डोरी लगा करके ये कवर कर दिया गया है। ये देखें सिस्टर्स, यहाँ पे कवर करके यहाँ पे बटन लगाया गया है और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको ये पूरा जो है कम से कम भी 10-12 जो बीट लगा करके इसको ये कवर किया गया है नीचे तक। इसके अलावा नीचे जो है यहाँ पे जा करके इसकी ये ओपनिंग ओपन हो रही है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए सिस्टर्स, ये बहुत ही परफेक्ट कट आ रहा है इसके नीचे का। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी सिस्टर्स, वो है इसका गला। जी देखिए, ये मैं आपको इसका गला शो कर रही हूँ इस सूट का, कि कितना खूबसूरत है साटन का इन्होंने कपड़ा लगाया है यहाँ पर, और इसको बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरती के साथ पाइपिंग को बहुत ही खूबसूरती तरीके से उसी रंग के कलर से धागे से इसको यहाँ पे टका गया है ताकि ये इसके स्टिचेस जो है नुमाया तौर पे नजर ना आए। सिस्टर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस शर्ट का जो फैब्रिक है वो जैकॉट फैब्रिक है। जैकॉट कपड़ा किस तरह का होता है कि जैकॉट के ही अलग अलग कलर के धागे होते हैं और उनको ही जो है एक बड़े से कपड़े पे बेच जो इन्होंने यहाँ पे बेस बनाई है उसी के ऊपर जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे इसकी सारी सोइंग की गई है, इस कपड़े को तैयार किया गया है। ये देखिए सिस्टर्स, ये पूरा टॉप टू बॉटम जो है ये जैकॉर्ड है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे ये शो हो रहा है। ये देखिए सिस्टर्स, ये देखिए। अच्छा सिस्टर्स, इस सूट की सबसे खूबसूरत बात जो है वो यहाँ पर ये इसके टसल्स आ रहे हैं। ये देखिए सिस्टर्स, यहाँ पे एक साइड पर ये 4 टसल जो हैं ये बना करके लगाए गए हैं और इस टसल के बारे में भी मैं आपको बताऊँ। ये देखिए सिस्टर्स, हैवी टसल्स हैं जिसको बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो कवर किया गया है। ये देखिए, ये दोनों साइड पर लगे हुए हैं, इस साइड पे भी है और सिस्टर ये अगली साइड पर, लेफ्ट एंड राइट दोनों जो हैं ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे ये टसल जो हैं ये देखिए ऊपरी साइड से यहाँ से ये जॉइंट हुए हुए हैं, वेस्ट लाइन से यहाँ से ये जॉइंट हुए हुए हैं। अलग अलग डोरियाँ हैं ये, ये देखिए सिस्टर्स, ये अलग अलग डोरियाँ हैं क्योंकि ये तस्वीर में मॉडल ने बिल्कुल इसी तरीके से ये पहना हुआ है। तो माशाल्लाह यहाँ पे तो तस्वीर में तो माशाल्लाह सिस्टर्स आप देख सकते हैं कि 10-12 यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये शर्ट जो है जैकॉट की है और इसमें मॉडल ने तो सिर्फ 1 ही घंटा पहनना था, तो इसीलिए सिस्टर हमने आपकी मद्देनजर रखते हुए कि आपने जैसे जो भी सूट होगा वो आप पहनेंगे तो एक ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा इसको आप वेयर कर सकें, तो इसी लिहाज से यहाँ पे 4 टसल यहाँ पे हर जगह पे राइट एंड लेफ्ट अवेलेबल करके दिए हैं। सिस्टर्स, मेरी इस वीडियो को कंप्लीट तक वॉच करें ताकि आपको मालूम चल सके कि इसका मजीद जो जैकॉट का दुपट्टा है और जो टैकल का ट्राउजर है फैब्रिक का वो किस तरीके का है। सिस्टर्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने स्लीव्स का कपड़ा दिया हुआ है ऊपर से ये बेज कलर का है और नीचे से जो है यहाँ पे इन्होंने फ्लोरल डिजाइन बनाया हुआ है। ये देखिए ज्योमेट्रिक तरह से ये फ्लोरल डिजाइन जो है ये कॉपी पेस्ट होकर के पूरी स्लीव्स को कवर कर रहा है।
ये जो प्रिंट आप देख रहे हैं, ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बनाया गया है, तो उसका भी मैं आपको दिखाऊं कि कम से कम दीजिए है ये एक बालिश का ये पीस जो है यहाँ पे इन्होंने मेकिंग करके इसका बनाया है। यहाँ पे देखें सिस्टर्स, यहाँ पर जो इसके स्लीव्स का जो कफ है उसमें भी ये कितना खूबसूरत सा जिग जैग पैनल इन्होंने बनाया हुआ है। और माशाल्लाह माशाल्लाह कम से कम भी यहाँ पे भी 8 से 10 जिग जैग लाइन्स बनाई हुई हैं ताकि इसका ये कफ जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आए। ये देखें आप, इसके अलावा सिस्टर्स यहाँ पे ये देखिए नीचे जो है इसकी जो डोरी पाइपिंग हुई हुई है, इसमें देखिए सिस्टर्स यहाँ पे जो नीचे डोरी पाइपिंग हुई हुई है इस स्लीव्स की, वो कितनी खूबसूरती के साथ बेज कलर की ही लगाई है साटन के कपड़े की, ताकि ये शाइन भी करे आउटर साइड से। और जो अंदर के साइड पे जो हम हमेशा जैसा हमारा टेलर जो है कपड़ा छोड़ता है कि किसी को भी ऊंच नीचा हो, कोई भी ऊपर नीचे करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन सिस्टर्स अहम बात होती है हर टेलर की सिलाई की कि वो अपने अंदरूनी कट्स जो होते हैं उनको किस तरीके से ये बंद किए जा सकते हैं। ये देखिए सिस्टर्स, यहाँ पे मैं आपको अंदर ये जो कांधे की तरफ जो आते हैं कट्स, ये मैं आपको वो दिखा रही हूँ। कोई भी नॉर्मल स्टिचिंग करने वाला टेलर इन कट्स को इतनी खूबसूरती इतनी महारत के साथ जो है ये बंद नहीं करता है। यहाँ पे देखिए सिस्टर्स, यहाँ पे मैं आपको इस शर्ट का बैक दिखा रही हूँ। ये देखिए इस शर्ट का जो बैक है उसमें भी हाई नेक कॉलर पीछे की साइड से आ रहा है, ठीक है, जैसे कि कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया था हमको। और साथ ही साथ में जैकॉर्ड की शर्ट है सिस्टर्स। और यहाँ पे देखिए सिस्टर कि एक ही सिस्टमैटिक तौर पे जो है एक ही ज्योमेट्रिक पैटर्न जो है फ्लोरल पैटर्न जो है यहाँ पे अपनाया गया है। और यहाँ पे सिस्टर ये इसका बैक था कंप्लीट पीस का, वन सिंगल पीस का इसका बैक था जिसको बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे जोड़ा गया है इस शर्ट के साथ। सिस्टर्स जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे हर सूट में फ्रंट पे बैक पे स्लीव्स पे नेक पे डोरी पाइपिंग होती है, तो इसी तरह से इस सूट में भी इसके बैक का पीस जो मैं आपको दिखा रही हूँ सिस्टर, यहाँ पे भी जो है ये डोरी पाइपिंग अवेलेबल है। सिस्टर चलते हैं इसके दुपट्टे और ट्राउजर की तरफ। सिस्टर यहाँ पे मैंने आपको शो किया है इस खूबसूरत से सूट का जिसका मैंने आपको दिखाया अभी कि जैकवर्ड की शर्ट है और इसमें ये जो है टसल्स लगे हुए हैं, तो बिल्कुल उसी तरह की कुछ चीज़ को मैंने कॉपी करके शर्ट दिखाई है। अब मैं इसका आपको दुपट्टा और ट्राउज़र दिखा रही हूँ सिस्टर। दुपट्टा जो है वो यहाँ पर जो है वो जैकवर्ड दुपट्टा है, लेकिन सबसे पहले क्योंकि सादी सी इसकी शलवार है कैम्ब्रिक कॉटन की, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जो है बिल्कुल ये स्ट्रेट पैंट टाइप बनाई गई है। और जैसे कि आपको पता है सिस्टर कि यहाँ पे भी एक सिलाई है और यहाँ पे भी एक सिलाई है, मतलब कि पूरी जो ट्राउज़र है एक ट्राउज़र का जो पैंचा है उसमें डबल सिलाई लगी है ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट सा खड़ा रहे, तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट ट्राउज़र, स्ट्रेट पैंट भी कह सकते हैं इसको। तो सिस्टर्स यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्राउज़र है उसको कितनी खूबसूरती के साथ अंदर की साइड से बाहर की साइड से, तो सिस्टर सभी लोग खूबसूरती डाल देते हैं, कोशिश कर लेते हैं, लेकिन अंदर की साइड से देखिए सिस्टर्स कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पे इसके अंदरूनी जो सिलाइयाँ हैं उसको कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे पैक किया गया है, जो कॉर्नर्स हैं उनको भी पैक किया गया है ताकि वो डबल ट्रिपल जो वॉशिंग होती है उसके बावजूद भी वो वैसे के वैसे ही लुक आपको प्रोवाइड करके दे सके। और हमेशा हमारी जो बेल्ट होती है सिस्टर्स वो पिछले साइड से जो होती है वो रबर की होती है, कोई इसमें जो है ये ख़राबी नहीं है। ये देखें लूज भी यहाँ से कोई भी नहीं है, बिल्कुल फिटेड ये बेल्ट है, यहाँ पे ये फ्रंट का बेल्ट इन्होंने ये प्रोवाइड करके दिया है। सिस्टर्स जो भी नाप आप ट्राउज़र के लिए शर्ट के लिए चेस्ट वगैरह के लिए देंगी तो बिल्कुल वही चीज़ आपको इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम उसको वही चीज़ आपको कम्प्लीट करके दें। सिस्टर्स यहाँ पे ये देखिए ये है इस सूट का जैकवार्ड दुपट्टा, मैं इसको पूरा खोल के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए सिस्टर्स, वैसे तो इस सूट में कोई भी जो है एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं हुआ हुआ है, लेकिन क्योंकि इसमें टसल्स का काम हुआ हुआ है साथ ही साथ में यहाँ पे आप देखें तो इसमें सब जगह पे जो है वो कम्प्लीटली तौर पे डोरी पाइपिंग हुई हुई है, दुपट्टे पे शर्ट के फ्रंट पे बैक पे। और ये देखिए सिस्टर्स के दुपट्टे को हैवी लुक देने के लिए, और जैसे कि मॉडल ने यहाँ पे हमारे पास पहना हुआ है इस दुपट्टे में टसल्स लगाए हुए हैं, ये देखिए ब्लैक कलर के, तो सिस्टर्स यहाँ पे भी हमारे टेलर ने ये टसल्स लगाए हैं खूबसूरती के साथ कि दुपट्टे में हैवी लुक भी आए और बहुत ही खूबसूरत लगे। ये देखिए सिस्टर्स ये कोई 4-6 टसल्स नहीं लगाए गए हैं, पूरे दुपट्टे के दोनों साइड पे बॉर्डर पे ये मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। ये देखिए सिस्टर्स, ये देखिए
ये कितने कितने टसल्स जो हैं यहाँ पे ये मर्ज करके लगाए गए हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे ये शो कर रहा है ये पूरा दुपट्टा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है सिस्टर कि जैकॉट जो कपड़ा होता है उसकी बनवाई जो होती है वो अंदर की साइड से देखी जाती है और आप यहाँ पे ये देखें कि ये जो बनवाई है इसमें सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल बना हुआ है, दुपट्टे में सिर्फ एक रेक्टेंगल शेप को कॉपी किया गया है, लेकिन उस रेक्टेंगल शेप को कॉपी करने के लिए या उसको पूरे दुपट्टे पे स्प्रेड करने के लिए भी बहुत ही महारत के साथ जैकॉट कपड़ा जो है इन्होंने खाड़ी वालों ने यहाँ पे इसका पूरा ट्राउजर वो जाता है क्रेडिट उनको कि इन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ जैकॉट कपड़े को और जैकॉट के धागे को इस्तेमाल किया है। तो सिस्टर्स मेरी वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि वो लोग क्या खरीद रहे हैं। थैंक यू सिस्टर्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। तो सिस्टर्स इस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए या मुझसे कॉन्टेक्ट के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने प्रोवाइड करके दिया है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी हो किसी भी सूट के बारे में आप ज्वाइन लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं जिसके जरिए से आपको लेटेस्ट अपडेट वगैरह जरूर मिलेगी। सिस्टर्स आप अपनी कीमती राय कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा, लाइक एंड शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में सिस्टर्स आप मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस आराम से हासिल हो सके। शुक्रिया सिस्टर्स, लेकिन मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।